everyone, welcome back to your own real homemaking channel once again. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे. और जैसा कि आज आपको टाइटल से पता चल ही गया है, आज मैं आपको कराने वाली हूँ अपना किचन टूर और दिखाऊंगी कि हम US में किस तरीके से अपने किचन को एक इंडियन लुक देते हैं और किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने किचन को. और ये वीडियो जो नए आए हैं US में या आने के लिए प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहेगी, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इस वीडियो को दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि रेंटेड अपार्टमेंट में आपको किचन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या क्या आपको खुद से बाय करना पड़ता है. तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगेगी. तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये मेरी यू शेप की किचन है एंड This is an open kitchen. तो चलिए मैं आपको राइट हैंड साइड से दिखाना स्टार्ट करती हूँ. जैसे ही आप किचन में एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको ये रेफ्रिजरेटर दिखेगा. बहुत ही अच्छे बड़े साइज का ये रेफ्रिजरेटर है, सिल्वर फिनिश का. अगर आप US में रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको रेफ्रिजरेटर खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपार्टमेंट की तरफ से ही ये रेफ्रिजरेटर मिलता है. रेफ्रिजरेटर के साइड से स्टार्ट होता है ये काउंटर टॉप और ये इस तरीके का यू शेप का है, जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ. तो स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, जहाँ पे मैंने ये वास लगाया हुआ है फेक फ्लावर्स का. मुझे ये कलरफुल फ्लावर्स देखना बहुत पसंद है अपनी किचन में एंड इट एड्स अ वेरी नाइस कलर टू माई किचन. उसी के साथ मैंने रखा है अपना इंस्टेंट पॉट. इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मेरे प्लग पॉइंट्स हैं और यहाँ पे मैंने इसे रखा है, तो इट इज़ ईजी टू यूज़ दिस पे. और ये काउंटर मेरा फिर खाली है और यहाँ साइड में मैंने कुछ अपने बेसिक चीज़ें रखी हैं जो मैं अभी आपको एक एक करके दिखाती हूँ. तो कॉर्नर में मैंने रखे हैं ये तीन ग्लास जार्स जिसमें मैंने चाय पत्ती, चीनी और नमक रखा है. ये मैंने डॉलर ट्री से लिए थे और ये रखे हुए भी बहुत ही सुंदर लगते हैं. साथ ही में एक जार में मैंने रखा है गुड़, ये है मेरा ऑयल डिस्पेंसर और ये है यूटेंसिल होल्डर. यूटेंसिल होल्डर में मैं वो सारे स्पैचुलास, नाइफ एंड सीजर वगैरह रखती हूँ जो मुझे डे टू डे बेसिस पे चाहिए होते हैं अपनी कुकिंग के लिए. उसी के साथ यहाँ पे मैं रखती हूँ अपना ये मसाला बॉक्स जिसमें मैं सारे अपने बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा और कोरिएंडर पाउडर वगैरह रखती हूँ, जो कि इंडियन कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं. और साथ ही में है ये घी दानी जिसे हम घीलड़ी भी बोलते हैं, तो उसमें मैं अपना देसी घी रखती हूँ. एंड सिंस हम लेडीज का मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में बीतता है, इसीलिए मैं अपने फोन का चार्जर भी यहीं पे सेटअप करके रखती हूँ. तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा ये गैस स्टॉप. ये 4 बर्नर का गैस है, ये इंडक्शन गैस है, कॉइल्स वाला इलेक्ट्रिक गैस जिसे हम बोलते हैं. एंड इसी के नीचे आपको मिलता है ये बड़ा सा ओवन, ये देखिए. और इसी ओवन के नीचे आपको एक ये ट्रे मिलती है, ओवन ट्रे आप इसे बोल सकते हैं, और आप इसे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. तो अगर आप US में रेंटेड अपार्टमेंट में रहने आते हैं तो इस तरीके का गैस स्टॉप अलोंग विद ओवन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको ओवन या गैस वगैरह खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी. गैस स्टॉप के एडजेसेंट काउंटर पे मैंने रखा है अपना मैजिक बुलेट ब्लेंडर जिसे मैं हर ब्लेंडिंग पर्पस के लिए यूज करती हूँ अपनी किचन में. अगेन यहाँ पे प्लग पॉइंट है तो इसकी पोजिशन एकदम अप्रोप्रिएट है. और साथ ही में यहाँ पे रखा है फ्रूट बास्केट, और शिकागो के विंटर्स में भी हमें कुछ ग्रीनरी दिखती रहे इसीलिए मैंने किचन में ही अपना एक मिंट प्लांट लगाया हुआ है, और उसके ग्रो करने के लिए मैंने ग्रो लाइट्स भी लगाई हुई हैं. और ये है मेरा स्पून एंड फोर्क होल्डर, नैपकिन होल्डर, और ये पूरा हमारा वाटर यूनिट है. यहाँ पे हम वाटर बॉटल्स फिल करके रखते हैं, और ये मेरा पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर है. तो देखिए ये काउंटर कुछ इस तरीके से दिखता है. तो ये है हमारा डबल सिंक, और उसके आगे आपको ये एक बड़ा सा आइलैंड दिखाई देगा जहाँ पे मैं अपनी सारी चॉपिंग या कुकिंग वगैरह की जो प्री प्रेपरेशन होती है वो करती हूँ. अब मैं आपको अपने किचन कैबिनेट्स दिखाती हूँ और उनकी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करती हूँ. तो स्टार्ट करते हैं नीचे वाले कैबिनेट से और उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर वाले कैबिनेट्स दिखाती हूँ. सो अगेन हम एक बार राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आता है एक ये बड़ा सा ड्रॉअर, ये देखिए कुछ इस तरीके का ड्रॉअर है. और यहाँ पे मैंने कैडी वगैरह लगाई हुई है इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी ये परात रखी है, कुछ स्टील की प्लेट्स, कटोरी वगैरह मैं रखती हूँ, और इसी में ही मेरी छलनी वगैरह रहती है जो मैं
डे टू डे बेसिस पे यूज़ करती रहती हूँ। और साथ ही में यहाँ पे एक कैडी मैंने रखी हुई है जिसमें मैं अपना ये स्पैचुला होल्डर और जो एक्स्ट्रा सामान होता है किचन का जो हम रोज़ाना के पर्पज़ से नहीं होता है वो मैं रख देती हूँ। जैसे कि ये थोड़ा सा फैंसी पीलर है मेरा और एक ये दो मेरे पास प्लेट्स हैं जिसमें मैंने अपने ये एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग जार्स रखे हुए हैं, कुछ टूथपिक और ग्लव्स वगैरह रखे हैं अपने इंस्टेंट पॉट के। तो इस तरीके से मैंने इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस ड्रॉर के नीचे है ये बड़ा सा कैबिनेट जिसके अंदर मैं अपने डे टू डे कुकिंग यूटेंसिल्स रखती हूँ। तो जो यूटेंसिल्स आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो वो बहुत ही रेयरली यूज्ड हैं, जैसे कि इडली मेकर, अपम मेकर, तो इनको मैंने इस तरीके से एक बार स्टैक करके रखा हुआ है। और ये मेरा ग्रेटर है, यहाँ पे ये बड़ा सीव रखा हुआ है मैंने, और ये पिक्चर रखा है, और ये बेसिकली मैं डे टू डे बेसिस पे सारे पॉट्स एंड पैन्स जो यूज़ करती हूँ वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे स्टैक करके रखे हैं। तो ये सारे जो पॉट्स एंड पैन्स हैं वो सफिशेंट हैं फॉर माई फैमिली ऑफ 3 पीपल। ओवन के दोनों साइड आप देखेंगे तो ये पतले पतले दो कैबिनेट्स हैं लंबे लंबे, इनका माउथ काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इसमें कोई भी बड़ा कंटेनर या बॉक्स नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं जिसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टोर कर लेती हूँ। और साथ ही में यहाँ पे एक मैंने ये होल्डर रखा हुआ है जिसमें मैं अपने एक्स्ट्रा स्पैचुलास एंड लैडल्स वगैरह रखती हूँ जो मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ। और इस वाले लंबे कैबिनेट में मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड, कुछ स्टील की प्लेट्स, कुकिंग ऑयल और एक्स्ट्रा लिड वगैरह रखी हुई हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि ओवन के नीचे वाले कैबिनेट में मैं क्या क्या रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ रखी हैं अपनी बेकिंग ट्रेस, कुछ लिड्स रखी हैं पॉट्स की जो मैं डेली पर्पस में यूज़ करती हूँ, एक वाटर बॉटल, कुछ सर्विंग स्पून्स, मेसन जार, और ये कंटेनर है जिसमें मैं अपना ब्राउन राइस स्टोर करके रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक बास्केट लगाई हुई है जिसमें मैं अपने आलू और प्याज रखती हूँ। आलू और प्याज को हमेशा किसी डार्क प्लेस पे रखना चाहिए, सो आई थिंक दिस इज द डार्केस्ट प्लेस, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना अंडर द सिंक कैबिनेट। तो ये कैबिनेट भी काफी बड़े साइज का है जैसा कि आप देख सकते हो। तो एक साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अपने किचन से रिलेटेड सारी क्लीनिंग सप्लाईज रखी हैं, जैसे कि डिश वॉशिंग लिक्विड और स्क्रॉच ब्राइट और जो मेरे डिश वॉशर में पॉट्स जाते हैं वो सब रखा है। और हाफ साइड पे मैंने ये मैट बिछा के रखा है, यहाँ पे मैं अपने जो भी मेरे किचन के अप्लाइंसेस हैं वो रख देती हूँ, जैसे कि मेरा चॉपर, बड़ा ब्लेंडर और ये सैंडविच मेकर। सिंक कैबिनेट के साइड में ही आता है मेरा ये डिश वॉशर। अगेन डिश वॉशर भी एक एसेसरी है जो आपको अपार्टमेंट की तरफ से ही मिलती है, बट इट इज़ नॉट द एसेंशियल वन, ये हर अपार्टमेंट में नहीं होती है। सो ये डिश वॉशर हमें तो अपार्टमेंट की तरफ से ही मिला हुआ है। डिश वॉशर के साइड में आती हैं ये 3 रैक्स। टॉप रैक मैंने डेडिकेट किया है अपने सारे पैकिंग एसेंशियल्स को, इसमें मैंने रखा है अपना फॉइल पेपर, प्लास्टिक रैप और ये कुछ जिप लॉक बैग्स अलॉन्ग विद रबर बैंड्स एंड क्लिप्स एंड एवरीथिंग। बॉटम रैक में मैंने रखे हैं अपने कुछ किचन टॉवल्स, किचन एप्रन और किचन का जो भी बेसिकली एक्स्ट्रा सामान होता है छोटा मोटा वो मैं यहाँ रख देती हूँ, जैसे कि ये लाइटर है, सीजर है और एक ये जो ग्लास जार आप देख रहे हैं ये मेरे स्पाइसेस का है, तो ये एक्स्ट्रा था, ये भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा है किचन का। और लास्ट ड्रॉर मैंने डेडिकेट किया है अपना रोटी बनाने के सामान को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन, सूखे आटे का डब्बा और एक टॉवल रखा है जिसपे मैं रख के अपना रोलिंग बोर्ड रोटियाँ बनाती हूँ। फ्रूट बास्केट के ऊपर ही मैंने एक ये होल्डर लगाया हुआ है जहाँ पे मैंने ये ब्यूटिफुल लुकिंग ग्लव रखा हुआ है अपना। अब दिखाती हूँ आपको अपने टॉप कैबिनेट्स की ऑर्गेनाइजेशन, बट बिफोर वी प्रोसीड मैं दिखाती हूँ कि मैं जुडिशियसली अपनी किचन में किस तरीके से स्पेस को यूज करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फ्रिज एंड कैबिनेट में थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। सबसे पहले पीछे आप देख सकते होंगे मैंने कुछ सर्विंग ट्रेज रखी हैं, उसके बाद मैंने आगे की साइड रखे हैं कुछ इंडियन स्वीट्स एंड बिस्किट्स एंड ये एक्स्ट्रा फॉइल पेपर है तो वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। फ्रिज के ऊपर है ये एक बड़ा सा कैबिनेट, ये बहुत अंदर गहरा भी है तो इसे मैंने बनाया है अपना पैंट्री,
किचन में जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहीं पे आपको मिलेगा। अगेन मैंने इसे बास्केट्स के हेल्प से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पे ये कार्डबोर्ड बॉक्स रखा है जिसमें मैं अपने किचन के सारे मसाले रखती हूँ जो भी एक्स्ट्रा होते हैं। एक ये ब्लू बास्केट मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने अपनी सारी दालें या फिर इलायची, लौंग, जो भी एक्स्ट्रा में ये सब चीज़ें होती हैं वो सब इसके अंदर जाती हैं। और साथ ही में कुछ चावल, आटा, जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है डब्बों में नीचे भरने के बाद वो सब ऊपर आ जाता है। और साथ ही में पीछे आप एक बड़ा सा कैन देख सकते होंगे, ये मेरा मस्टर्ड ऑयल का है। तो नीचे मैं थोड़ा सा अपना भर लेती हूँ ऑयल डिस्पेंसर में और बड़े वाले को ऊपर रखती हूँ। और पीछे चाय पत्ती का डब्बा और चीनी के एक्स्ट्रा डब्बे जो भी होते हैं वो सब ऊपर ही मिलेगा आपको। अब चलते हैं इस कैबिनेट की तरफ। ये सेक्शन कैबिनेट है और इसके नीचे वाले लेवल में मैंने रखे हैं ये दो बास्केट्स, अगेन फ्रॉम डॉलर ट्री। और इसमें मैंने ऑर्गेनाइज करे हैं अपने डे टू डे बेसिस के सारे स्पाइसेस, जैसे कि हींग, अमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, जो डेली कुकिंग में चाहिए होता है वो एक ब्लैक बास्केट में रखा है। और सिमिलरली एक मैंने ये ब्राउन बास्केट रखी है जिसमें मैंने अपने सारे सब्जियों के मसाले रखे हैं, जैसे कि छोला मसाला, पनीर मसाला, पाव भाजी मसाला, तो ये सब मैंने इसमें रखे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेक्शन है, तो अगर कभी मेरे हस्बैंड भी कुकिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें पता है कि कौन सा मसाला किधर से उन्हें मिल सकता है। नीचे वाले कैबिनेट में ही मैंने अपनी कुछ बेसिक दालें जैसे कि तुअर दाल, दलिया, छोले और न्यूट्रेला वगैरह रखा है। और इसके सेकेंड शेल्फ में मैंने रखे हैं ये एयरटाइट कंटेनर्स, अगेन फ्रॉम डॉलर ट्री। और इसमें सारी चीज़ें वो हैं जैसे कि बूंदी, दालें, मैदा, पोहा वगैरह जो हम इंडियन कुकिंग में हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये है बेसन, पोहा, मूंग दाल, आई थिंक ये चना दाल है, बूंदी है। तो इसकी मैंने ऐसे दो लाइंस बनाई हुई हैं और ये परफेक्टली सारे डब्बे मेरे इस वाले कैबिनेट में फिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली टॉप शेल्फ पे मैंने ये दो कैडीज लगाई हुई हैं, अगेन ये मेरे मसाला कैडीज हैं। हमारी इंडियन कुकिंग में बहुत सारे मसाले चाहिए होते हैं, तो आप देख सकते हो ये सब मेरे एक्स्ट्रा मसाले हैं जो डेली नहीं यूज होते बट ऑफकोर्स इंडियन किचन में ज़रूरी होते हैं, तो वो सब रखा है, जैसे कि सेंधा नमक या फिर ऑरिगैनो वगैरह वगैरह। और सिमिलरली इस कैडी में भी मैंने इसी टाइप के मसाले रखे हैं जैसे कि कसूरी मेथी, लाल मिर्च और अजवाइन वगैरह। तो इस तरीके से अगर मैं कैडी में आपको बोलूं तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, हर चीज़ सेक्शनड है तो काफ़ी इजी है पुल करना, यूज़ करना और उसे वापस से स्टैक कर देना। और जो भी एक्स्ट्रा मिसलिनियस चीज़ें हैं वो मैं ऊपर रख देती हूँ बिकॉज ऊपर इजीली हाथ नहीं आ पाता, तो ऊपर में वही सारी चीज़ें होती हैं जो डेली में नहीं काम आती हैं। अब ये वाला कैबिनेट मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो इसके लोअर शेल्फ पे मैंने रखा है अपना आटे का डब्बा बिकॉज ये रोज़ चाहिए होता है, तो आटा इजीली पुल हो जाए वापस इसे रख दूँ, तो इसीलिए इसे मैंने सबसे नीचे रखा है। साथ ही में मिडिल शेल्फ पे मैंने रखा है एक ये वाला कंटेनर जिसमें मेरा वाइट राइस रहता है, रागी फ्लोर है, ग्रीन टी है, मखाने वगैरह, जो चीज़ें चाहिए होती हैं हमारी सारी किचन में और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ होती हैं वो सब मैं टॉप शेल्फ पे रखती हूँ। और बाकी जो डेली यूज होने वाली चीज़ें हैं वो मैं मिडिल शेल्फ एंड लोअर शेल्फ पे रखती हूँ। तो इसी तरीके से टॉप शेल्फ पे आप देख सकते हैं ये सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, पास्ता वगैरह जो हम डेली नहीं बनाते हैं वो सब ऊपर वाले शेल्फ पे मैंने रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्नैकिंग कैबिनेट, अगेन ये सेक्शन कैबिनेट है, तो टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप पे मैंने रखा है अपना डिनर सेट जो मैं रेयरली निकालती हूँ जब गेस्ट वगैरह घर पर आते हैं, तो इसीलिए इसे ऊपर रख दिया है मैंने। मिडिल शेल्फ पे मैंने अपने सारे स्नैक आइटम्स रखे हैं, तो एक में आप देख सकते हो ये मिल्क रस्क हैं जो हर इंडियन घर में आपको मिल जाएंगे। एक डब्बे में मैंने सब ये बिस्किट्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ पैकेट्स खुल भी जाते हैं, बच जाते हैं, तो वो सब मैं इस एयरटाइट कंटेनर में रख देती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने एक कैडी रखी हुई है जिसमें सारे जो टॉफीज होती हैं, मेरे बच्चे के क्रैकर्स हैं, चिप्स हैं, वो सब मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो यू नेवर नो, अगर बच्चों का घर है तो वो कुछ भी किसी भी टाइम मांग सकते हैं, तो आई नो कि वो सब चीज़ें उसकी कहाँ रखी हैं, आई जस्ट हैव टू पुल दिस कैडी और उसको मैं ईजिली सर्व कर सकती हूँ। और नीचे वाले सेक्शन में मैंने रखे हैं अपने बादाम और वॉलनट जो मैं रोज़ रात को सोख करके रखती हूँ अगले मॉर्निंग के लिए। साथ ही में ये टी प्रेपरेशन के लिए सामान रखा है, इलायची, लौंग, कुछ स्नैक्स की चीज़ें रखी हैं, पीछे फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, घी, च्यवनप्राश, बॉर्नवीटा वगैरह, ये सब चीज़ें जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो सब चीज़ें मैंने नीचे वाले कैबिनेट में रखी हैं।
ये है मेरा माइक्रोवेव के ऊपर वाला कैबिनेट, ये बहुत ही रेयरली मैं यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने इसमें किचन का जो भी एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह होते हैं जो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती या बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, वो सारे मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। और ये मेरा लास्ट कैबिनेट है ऊपर वाला, तो मैं अभी आपको इसे भी खोल के दिखा देती हूँ। अगेन ये सेक्शन कैबिनेट है और इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से अपने ग्लासवेयर से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अगेन मैंने ऊपर वो सारे ग्लासवेयर्स एंड कंटेनर्स डब्बे वगैरह रखे हैं जो मैं बहुत रेयरली यूज करती हूँ या फिर जो मेरे पास एक्स्ट्रा में हैं, तो वो सारे मैंने ऊपर में लगाए हुए हैं। और मिडिल शेल्फ पे मैंने ये कुछ ग्लास कंटेनर्स अपने रखे हुए हैं, ये सब पायरेक्स के हैं, तो ये सब मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। और इनकी लिड्स ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये कैडी लगा रखी है, तो आई डोंट हैव टू सर्च एंड जिगल अराउंड। मुझे पता है कि सारे कंटेनर्स जो है वो एक साइड पे रखे हैं और उनके सबके जो लिड्स हैं वो एक साथ मेरे रखे हुए हैं, तो कुछ भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्ट नहीं है, बस एक कैडी लगा दीजिए और सारे आपके लिड्स एक साथ ऑर्गेनाइज रहेंगे। और लास्ट शेल्फ पे मैंने कुछ डिनर प्लेट्स रखी हैं, कुछ पॉट्स रखे हैं जिसमें मैं डिश आउट करती हूँ अपनी सब्जियाँ वगैरह, कुछ और छोटे छोटे बाउल्स रखे हैं, कुछ कप्स वगैरह रखे हैं चाय वगैरह पीने के लिए, और साथ ही में मैंने एक ये शेल्फ डिवाइडर लगा रखा है थोड़ा सा स्पेस को और जुडिशियसली यूज़ करने के लिए, तो नीचे मैंने कप्स वगैरह रखे हैं और ऊपर में मैंने ये कुछ छोटे बाउल्स रखे हैं, ये देखिए। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, अपना माइक्रोवेव जो मेरे गैस स्टव के ऊपर लगा हुआ है। ये बड़ा सा माइक्रोवेव हमें अपार्टमेंट की तरफ से ही मिला हुआ है, ये कोई नेसेसरी कमोडिटी नहीं है, कई अपार्टमेंट्स में आपको माइक्रोवेव नहीं मिलेगा, रेंटेड अपार्टमेंट्स में आपको अपना माइक्रोवेव लगाना पड़ेगा, बट हमें ये माइक्रोवेव अपार्टमेंट की तरफ से ही मिला हुआ है। तो जब भी आप अगर रेंट पे घर लें तो आप ये कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या क्या किचन एसेसरीज वो आपको दे रहे हैं साथ में। मैं आपको अपने किचन मैट्स के बारे में भी बता देती हूँ, तो ये गैस स्टव के नीचे जहाँ पे हमें मैक्सिमम टाइम खड़े रहना पड़ता है वहाँ पे मैंने ये मेमोरी फोम वाला मैट लगा रखा है। इससे हील्स में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता अगर आप बहुत देर तक खड़े रह के भी कुकिंग करते हैं तो। साथ ही में मैंने ये सिंपल सा एक मैट लगाया हुआ है सिंक के नीचे, बिकॉज सिंक में जब आप कभी कभार बर्तन वगैरह रखते हैं तो पानी छलक जाता है और फ्लोर को गीला कर देता है, तो एक मैट हमेशा आप सिंक के नीचे ज़रूर लगाएं। और साथ ही में एक ये सिंपल सा मैट मैंने लगाया हुआ है एंट्री पर अपनी किचन की, जिससे कि जब भी हम किचन में एंटर करें तो साफ पैरों से एंटर करें, बिकॉज एट लास्ट हम कहते हैं ना कि किचन इज द हार्ट ऑफ आवर होम। और हाँ, मेरे कैबिनेट्स के नीचे ये सब लाइट्स भी लगी हुई हैं जिसकी वजह से किचन में आपको बिल्कुल भी अंधेरा नहीं दिखाई देगा। कुकिंग करते वक्त आपको स्टव पे अच्छी लाइट मिले इसीलिए माइक्रोवेव के नीचे भी एक लाइट लगी हुई है। माइक्रोवेव में ही एक फंक्शन है वेंट फैन का, जिससे आप चला के अपनी चिमनी भी ऑन कर सकते हैं कभी जब आप पराठे बना रहे हैं या फिर धुआं का काम अपने किचन में कर रहे हैं, तो ये वाला चिमनी भी आपकी ऑन हो जाएगी। साथ ही में मेरी किचन में है ये दो हैंगिंग लाइट्स और ये एक सीलिंग लाइट है जो कि बहुत ब्राइट है और किचन को बहुत ही अच्छे से लाइट अप करके रखती है। तो ये था मेरा सिंपल किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। मैंने कोशिश की है कि हर माइन्यूट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूं, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो नए लोग आए हैं US में या आने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड शेयर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस देखना पसंद करते हैं या फिर US में आने वाले हैं, उन्हें पता करना है कि यहाँ के रेंटेड अपार्टमेंट्स में किचन कैसी होती है, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ आर ब्यूटिफुल फैमिली। मैं इस चैनल पर बहुत सारे व्लॉग्स बनाती हूँ जिसमें मैं किचन कुकिंग बहुत कुछ शेयर करती हूँ, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स जरूर छोड़िएगा मेरे लिए। आई लव रीडिंग ऑल योर कॉमेंट्स। फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय।